हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? तो इसका आंसर होगा पराकण या पॉलन ग्रेन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड जिसमें अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है, इस तरह का बीजांड कहलाता है ऑर्थोट्रोपस, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है एपोमेक्सिस, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं, तो इसे कहते हैं असंग जनन या एपोमेक्सिस, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होता है 4N, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अनिषेच या इसे हर्कोगैमी भी कहते हैं, स्व अनिषेच उभयलिंगिता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मदार में या कैलाट्रोपिस के पौधे में, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का है तो पार्थिनोजेनेसिस एपोस्पोरी होता है, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड किस प्रकार के होते हैं? तो जो बीजांड होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस सभी प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, बीजांड उपर्युक्त सभी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आवृत बीजियों में बीजांड होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, कोई नहीं, और जो नन ऑफ दीज है इसका आंसर होगा यहाँ पर आवृत बीजियों में जो बीजांड होता है वो एनाट्रोपस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुद्भिद का विकास कहलाता है, तो ये कहलाता है एपोगैमी, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसिलस का बचा हुआ भाग जो बीज में उपस्थित रहता है कहलाता है, तो इसे कहते हैं पेरिस्पर्म, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के के दाने में एंडोस्पर्म का वाह्य परत है तो ये होती है एल्यूरॉन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कुलेटम है तो स्कुलेटम एक ढाल आकार का कॉटिलेडॉन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है इससे, तो ये विकसित होता है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट से, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए आप कहाँ से कोशिकाएँ लेंगे? तो पराकोष से कोशिकाएं लेंगे, ऑप्शन थ्री, या पराकोष को एंथर भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।